स्पेशल गौरव कुमार। सो एक न्यू ब्लॉग बना रहा हूँ मैं, जो कि बरका गाना जंक्शन से लेके दिल्ली तक का है। ओके, सो आज मेरी ट्रेन है 4:30 बजे, फिर कल मैं पहुँचूँगा आसन बिहार टर्मिनल, जो कि लगभग 2 बजे के लगभग पहुँचूँगा। और मैं दिल्ली जा क्यों रहा हूँ, मैं कोई बड़ा बताना चाहूँगा। एक्चुअली हमारे कंपनी का एक बहुत बड़ा एक इवेंट होने वाला है। ओके, यहाँ पे 20,000 से ज़्यादा लोग पूरे ऑल ओवर इंडिया से आने वाले हैं, ठीक है, तो बहुत मज़ा आने वाला है और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हूँ। और लगभग सारी पैकिंग वगैरह हो चुकी है, ठीक है, और बस 4:30 बजे की वेट है, हमारी ट्रेन आने वाली है और हम फिर निकलेंगे दिल्ली के लिए। तो इस वीडियो पे अगर आप नए हो तो डेफिनेटली आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल घंटे को भी दबा लेना, ताकि आपसे ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस ना छूटे। मैं एक एक चीज़ आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक से पहुँचेंगे, है ना, कल की सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, परसों की सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, एक एक चीज़ में आपको इस ब्लॉग के अंदर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, लिटरली आपको बहुत मज़ा आने वाला है इस वीडियो को देखकर, ठीक है। सो फिर मिलते हैं। सो गाइस, अब मैं निकल रहा हूँ दिल्ली के लिए, तो अभी मैं अपना जंक्शन जा रहा हूँ, बरका गाना जंक्शन, जहाँ से मेरी अभी ट्रेन खुलने वाली है 4:30 बजे, ठीक है। सो गाइस, अभी मैं अपना बरका गाना जंक्शन पहुँच चुका हूँ। सो अभी मेरी हमारी ट्रेन आ रही है, ठीक है, 4:30 के लमसम यहाँ पे ट्रेन आ जाएगी, और साथ में हमारे कुछ टीम मेंबर्स भी आ रहे हैं, तो बहुत जल्द मैं अभी अपने टीम लोगों से मिलने वाला हूँ। तो फिर मिलते हैं टीम लोगों के साथ में। थैंक यू, पूरा थक गया। पहले प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे आने वाली थी ट्रेन, बट अचानक अनाउंसमेंट हुआ कि आपकी जो ट्रेन है 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे आ रही है, और काफ़ी लंबा सीढ़ी था, तो थक गया। बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, तो अभी जस्ट हमारी ट्रेन आने वाली है और मैं अपनी टीम लोगों से मिलने वाला हूँ, फिर आपको सभी लोगों से मिलवाऊंगा। ओके, हमारी ट्रेन आ चुकी है, आप ये देख सकते हो हमारी ट्रेन आ चुकी है, अभी ट्रेन थोड़ी देर में खुलेगी, तो फिर मिलते हैं। सो ये सारे मेरे लवली टीममेट्स हैं जो कि हमारे साथ वॉकिंग करते हैं, और ये लोग काफ़ी ज़्यादा मेहनती, और हम सारे के सारे लोग काफ़ी एक्साइटेड है दिल्ली जाने के लिए। ओके चुके हैं, और काफ़ी 4 घंटे लेट की हमारी ट्रेन, सिर्फ स्टिल हम लोग आनंद विहार पहुंच चुके हैं, और यहाँ पे हमारे साथ काफ़ी सारे लोग हैं। सो सूरज, कैसा लग रहा है? मज़ा आ रहा है। कैसा लगा सफ़र करके? थक गए। थक गए? कैसा फील कर रहे हैं? एंजल, कैसा फील कर रहे हो? पवन, फीलिंग सो एक्साइटेड टू मीट सर। ओके, और सफर करके कैसा लगा? ओके, सारे लोग लगभग थक चुके हैं, क्योंकि काफ़ी लंबा हो गया हम लोगों का। एक्चुअली 1 बजे ही पहुंचना था, बट अभी अप्रॉक्स 6 बजने वाले हैं, और 6 बजे हम लोग पहुंचे। अब हम लोग अपने रूम के लिए जाएंगे, तो फिर मिलते हैं अपने रूम पे। फाइनली हम लोग अपना रूम आ चुके हैं, ये सारे लोग बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, तो कैसा फील कर रहे हो? थके हैं। सो अभी बहुत थक गए हैं सब लोग, हमें फ्रेश होंगे और फिर चलेंगे डिनर के लिए, और फिर आएंगे दबा के खाना। ओके, दबा के भी खाएंगे लोग, और पता नहीं कैसे कैसे खाएंगे, वो तो पता लगेगा, ठीक है। ओ देश मेरे, तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या?
कौन कौन करेगा दो महीने में सुपरवाइजर? मैं करूंगा सर, सुपरवाइजर पक्की बात है। दिसंबर तक कंप्लीट करूंगा अपना सुपरवाइजर। दिसंबर कंप्लीट सर, कंफर्म? यस सर, कंफर्म। चलो देखते हैं फिर आना कम खाएंगे। I'm gonna make you mine.
बदलेगी, हिम्मत का हार आंखों की दिखी लकीर भी बदलेगी। लेट्स वेलकम द यंगेस्ट डायमंड सफायर मैनेजर इन इंडिया, मिस्टर क्रिश्चियन। एक बार ही खड़े होके एक उस पर्सन का थैंक्स जरूर बनता है, एक बार ही सब खड़े हो जाओ प्लीज, जिस पर आई वॉन्ट टू से तालियां नहीं रुकनी चाहिए। आई एम कृष्णा। अभी हम लोग अपने टीम के साथ आए इंडिया गेट घूमने के लिए। आप देख सकते हो ये सामने में हमारी इंडिया गेट है, आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये देख सकते हो ये हमारी इंडिया गेट है और ये हमारे साथ आए कुछ लोग हैं। तो कैसा लग रहा है आप लोगों को यहाँ पे घूम के? Achievers Club, how's the Josh? Hi, sir. How's the Josh? Hi, sir. How's the Josh? Hi, sir.